सल्फोनेशन की बात करते, किसकी बात करते बेटा, बात कर बताओ। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में बुरे बात कर, इसका मतलब क्या है? ये भी कैसा बेटा बात कर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। ऐसे अपने अभी नाइट्रेशन देखा था कि नहीं देखा था, है ना, इसमें भी क्वेश्चन दे दिए आते हैं। अच्छा, इसमें अपन को क्या करना है बेटा, बात कर, कुछ कह रहे थे क्या? अच्छा, मतलब बेटा बात कर, वो ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, किसको ब्रेक करना है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां से H+ हटाना है और उसकी जगह गुड़े बात किसको जोड़ना है, आपको SO3 को जोड़ना है, किसको जोड़ना है, SO3 को जोड़ना है, ठीक है, गुड़े बात करें तो वहां पे क्या करना है, कार्बन और SO3H बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, मतलब हाइड्रोजन हटाना है H+ के फॉर्म में, उसी के क्या लेके आना है, SO3H लेके आना है, SO3 जोड़ोगे उसका हाइड्रोजन खुद SO3 पे जुड़ जाता है, एडिशन किसका करना है आपको, SO3 का, और फिर जैसे अपन यहाँ पे हटा रहे थे नाइट्रेशन में H+ अपन परमानेंट हटा रहे थे वहां से, अब वो हाइड्रोजन बेटा बात करें कौन लेगा, SO3 खींच लेगा, तो यहाँ पे क्या जुड़ता है रियल में, SO3H, अटैकिंग स्पीशीज SO3H नहीं है, अटैकिंग स्पीशीज है SO3। अच्छा, तो ये क्या है सल्फोनेशन, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या करते बेटा बात करें, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन SO3H बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज क्या होती है, अटैकिंग जो स्पीसीज है वो है गुड़े बात का, हमारे पास क्या, जल्दी बोलो, SO3। SO3 क्या बेटा बताओ, गुड़े बात करें, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, अगर हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, आपको फील हो रहा है SO3 को देख करके, किसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल तो उसको बोलते हैं जिसके ऊपर गुड़े पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो, ऐसा है क्या यहाँ पे, है क्या यहाँ पे ऐसा कुछ, तो फिर ये कहां से बन गया इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये गलत पढ़ा रहे क्या सर, जो पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे, फिर कितनी बार बताया था, ये क्या है, लिविस एसिडिक, लिविस बेस है, कैसे पता चला, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है वो अपने से ज्यादा मल्टीपल अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, आप इसको जरूर देख रहे बेटा बात के, इस तरीके से आपको लग रहा है कि इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा है 2, 4, 6, 8, लेकिन मैं इसको इस फॉर्म में देख रहा हूँ, क्योंकि रोक्सीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चाहिए, हो चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ये बॉन्ड अगर बेटा बात के पाई बॉन्ड अगर डीलोकलाइज हो गया तो कार्बन तो 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डेफिशिएंट ही तो है, आपको लग रहा है इसकी उड़े बात करें कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसा है, रिच है, उठा के इसको देखो, एस डबल बॉन्ड ओ, दो बॉन्ड बनाते इसका क्या हो गया बताओ बेटा, बात करें, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए, इसने अपना लोन पेयर पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में दे दिया, ऐसे इस ऑक्सीजन को भी बेटा बात किसके आउटम से भी 6 होते हैं, इसको भी 2 चाहिए, इसने अपना एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिया इसको, क्योंकि भाई मेरे पास कितने थे, 6 थे, 6 में से मैंने जैसे ही गुड़े बात किया, पता है इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अपने ऑक्सीजन अपने बॉन्ड शेयर किए, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मेरे और 8 हो गए थे, 2, 4, 6, 8, इसके भी 2, 4, 6, 8, लेकिन फिर ये ऑप्शन आए, ये कह रहे मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन, मुझे 2 चाहिए, मेरे पास शेयर कर लो, शेयर करने की जरूरत ही क्या है, मेरे पास एक्स टाइम आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में दे रहा हूँ, आप उसको रखो आराम से, ठीक है, तो इस मतलब SO3 का स्ट्रक्चर ऐसा है, या फिर आपका दिल करे तो आप तीनों की तीनों ट्रिपल बॉन्ड मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं तो आपको फील हो जाएगा 2, 4, 6, 8, और आपको पता है पाई बॉन्ड जो है, क्योंकि अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिग्मा कंसिडर करते हैं, पाई बॉन्ड जो है अगर उसको ऑक्सीजन लेता है तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि पूरा का पूरा लोन पेयर किसने ले लिया, इस ऑक्सीजन ने, अब बताओ इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास, 2, 4, 6, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया ना इसको, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव आया कि नहीं आया, सल्फर यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऐसा नहीं कि आपको पहली बार दिखा रहे, SO3 हो, SO2 हो, CO2 हो, NO2 हो, ये सब गुड़े बात कर इसी एक ही बीमारी का शिकार है, क्योंकि यहाँ जो सेंट्रल एटम है, चाहे नाइट्रोजन हो NO2 में, चाहे CO2 में कार्बन हो, चाहे SO3 SO2 में सल्फर हो, ये अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के द्वारा मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को निगेटिव बोला ही इसलिए गया क्योंकि उनकी चाहत ही क्या होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो वो पाई बॉन्ड लेकर रहेगा, अगर उसने पाई बॉन्ड लिया तो सेंट्रल एटम के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उसका बेचारे का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ कि नहीं हुआ, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका मतलब पूरे बात करें यहाँ पे SO3 कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये याद रखना इस फॉर्म में, बात समझ पा रहे हो, इसको मिटा नहीं रहा हूं ताकि आपको ये बना रहे याद, ये बॉन्ड ही इधर चला जाएगा, ठीक है, इसको पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये कौन है, अटैकिंग स्पीसीज जो SO3 है वो क्या है, जल्दी बोलो क्या है ये, वो बेटा बात कर हमारे पास क्या है,
लिवस पूरे बात करें एक टाइप का एसिड है, मतलब क्या है पूरे बात करें, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, समझ पा रहे? ठीक है, तो कंडीशन पूरे बात करें, बस आपको ये काम की चीजें समझ में आनी चाहिए थी, अपना हो जाएगा। अब जैसे अगर बेटा बात करें, अपन बोलते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर अपन रिएक्शन कराते हैं, किसके रिएक्शन, बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की। तो बताओ बेटा बात करें क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, H2SO4 मतलब सल्फोनेशन होना है, क्या होना है, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। पर ये किसका सोर्स है रियल बेटा, बताओ गुड़िया, ये रियल में सोर्स किसका है, ये रियल में सोर्स है SO3 का, किसका है बेटा, तो SO3 को इस पे जोड़ दो गुड़िया, बात करें किसी भी एक कार्बन में, मैंने कहा क्या प्रोडक्ट बनेगा, छोटी सी बात है, बेंजीन में आपको पता है, आप गुड़िया बात करें किसी भी कार्बन पर सल्फोनेशन करने के लिए क्या हो, फ्री हो, तो मैं इसका करता हूं, यहां पे क्या जुड़ गया माना बेटा, बात करें SO3H, ये बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या बना बेटा बात करें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहले आपको ये पता चल जाए कि मुझे करना क्या है, फिर अपन मैकेनिज्म देख लेते हैं, सल्फोनिक एसिड, ये बस मेरा काम हो गया। 12th का क्वेश्चन आपका इतना सा है, इसकी रिएक्शन इससे कराई गुड़िया बात करें, पता है ये बन जाएगा, और इस प्रोसेस का नाम है क्या लिखा आपने, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2O4 गुड़िया बात कर, देन फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज कॉल्ड सल्फोनेशन, क्या बोलते हैं इसको, सल्फोनेशन हो गया गुड़िया बात कर। अब आते हैं अपन बेटा बात करें ये बनता कैसा है मैकेनिज्म, ये समझ में आ गया ना, जब भी ये कभी रिएक्शन करने आए, और बेंजीन की करने आए, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड की करने आए, चाहे फिनॉल हो चाहे एनिलीन, बस डायरेक्टर के अकॉर्डिंग जोड़ना है, और कुछ भी नहीं करना है, करना आपको वही है, कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है और SO3H उसकी जगह जोड़ देना, रियल में जोड़ना SO3 है, पर जिसपे भी आप SO3 जोड़ने जाओगे उसका खुद हाइड्रोजन इसी SO3 के साथ जुड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, बेंजीन के ऊपर SO3 की रिएक्शन कराना है, और रियल में क्या पकड़ देना है, किसी भी कार्बन पे आप SO3H के फॉर्म उसको जोड़ सकते हो, SO3H के फॉर्म में जोड़ सकते हो, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैग्नीशियम में करना क्या है गुड़े बात करें, दो H2SO4 उठाओ, ताकि एक H2SO4H+ दे पाए और दूसरा ले पाए, तो ये बेटा बात करें किसमें टूटेगा, ये टूटेगा हमारे पास H3O+ प्लस बेटा बात करें SO3, और साथ में बनेगा HSO4-1, ये बनेगा। अब ये बेटा बात करें यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो यही है बेचारा, आपको लग रहा हो कि सर इसके पास भी तो प्लस है, यहां से ऑक्सीजन, अगर तुम्हारे पास जैसे H2 है, जैसे अपन इसको बोल रहे अभी हाइड्रोनियम आयन H3O, तो ये ऑक्सीजन जो प्लस है वो H+ को निकाल देगा, H+ दे देगा, H+ यहां से निकल के इसके पास चला जाएगा, ये न्यूट्रल सबके पास ऑक्टेट अपना कंप्लीट है, बेचारे यही परेशान है सल्फर, क्योंकि ये इस फॉर्म में घूम रहा है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा आप बोलो कि ये कैसे बना, अगर आप चाहो तो पता कर लो, कुछ बात करें कोई फर्क नहीं, अदरवाइज कोई फालतू की चीजें, मैं अगर कहूं बेटा बात कर इस तरीके से, H2SO4 की स्ट्रक्चर याद है ना आपको, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी यदि बात करें बेस सीटी 2 है, ऑक्सीजन स्टेट +6 है, हाइब्रिडेशन स्पीड हाइड्रोजन sp3 आ रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सब कुछ पता ही है अपन को इसके बारे में, तो बैलेंसिंग फैक्टर 2 है, देखा था इसका अपन ने क्या इक्विलिब्रियम वेट निकाल करके, इक्विलिब्रियम वेट कितना आया था इसका, 49 आया था, 98 एटॉमिक मास है, तो वो सब कुछ रटा हुआ है, छोटी सी बात है H2SO4 के बारे में तो जानते ही अपन सब कुछ। तो अगर आप इसमें देखें, ये माना एसिड की तरह काम करो, ये बेस की तरह, अगर यहां से H+ निकले, अगर H+ यहां से निकल जाए तो वो कहां अटैक करेगा, किसी ऑक्सीजन के ऊपर, बात समझ पा रहे गुड़िया, अगर इसके ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है, तो यहां से बताओ ये जो बेटा बात का पूरा बॉन्ड है ये कौन लेगा, ऑक्सीजन उठाएगा, तो ये क्या बन गया, HSO4-, ठीक है, और ये H+ कहां जुड़ गया दोस्त, यहां पे। अब अगर इसके पास कोई गुड़िया H+ आया, ये ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन मिला तो नेगेटिव आ गया, प्लस माइनस खत्म, पर कमी तो आई ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दी थी बात करें, किसी और एटम के होते हुए अच्छा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, इस सल्फर का बॉन्ड लेके भागेगा, सल्फर का इलेक्ट्रॉन ले गया, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन ले गया साथ में सल्फर का ले गया, क्यों, लॉस भी तो वही हुआ था, अपने एक से लॉन पेयर जब इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, पर एक किसको दे दिया था, हाइड्रोजन को, एक की कमी आई, वो उसने किसको लेके गया, सल्फर को उठा के लेके गया, जो बेटा लोन पेयर था वो बॉन्ड बना, तो जो बॉन्ड था उसने उसको क्या बना दिया, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर को तोड़ दिया, और बॉन्ड पेयर अगर तोड़ दे तो बेटा बात कर, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, लोन पेयर,
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं लोन पेयर। इसका मतलब यहां से क्या अलग हो गया बेटा बताओ, H2O हो गया, अलग कि नहीं हो गया, उसके पास वही आ गया अपना एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, जो एक कमी थी वो मुझे मिल गई, तो उसकी वजह से नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस क्या होगा बेटा न्यूट्रल, ठीक है ये कंडीशन। पर दिक्कत अभी इनकी आई, एच ओ एस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि सल्फर का तो इलेक्ट्रॉन गया ना। अब बताओ सल्फर का इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करे, सल्फर बड़ा भाई है ऑक्सीजन का, उसने ऑक्सीजन से कहा देखो तुम्हारे होते हुए मैं किस कंडीशन में गुजर रहा हूँ, इतनी सी बात हटाओ इनको, एच प्लस को हटाओ, और ये जो मेरा बॉन्ड है पूरा का पूरा लोन पेयर, अब ये मैं लेता हूँ। अब ये लेगा अगर सोचो बुरे तो इसके ऊपर पूरा लोन पेयर आएगा, तो एक नेगेटिव आ गया ना, आपने इलेक्ट्रॉन तो लिया साथ में किसका लिया हाइड्रोजन का, लेकिन क्या लंबे समय तक न्यूट्रॉन रख पाए नहीं, ये लोन पेयर उसके साथ शेयर करेगा। तो छोटी सी बात है, मतलब जो बॉन्ड इधर था उसको यहाँ बना लुआ, तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर आ गया बताओ, इसको तोड़ने के बाद एच प्लस निकल गया, एच प्लस निकल गया और साथ में क्या बना बताओ बेटा बात कर, साथ में बना हमारे पास एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ बन गया सूत्री। और ये एच प्लस किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, भाई कोई नहीं तो मुझे चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे पाए, तो इसके पास अटैक करेगा, एच प्लस के पास अटैक करेगा, क्या बन जाएगा देखो एच टी ओ प्लस, इसके पास अटैक नहीं करेगा, कॉमन सेंस की बात है, जिसका है उसके पास अटैक कर देगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, क्या बन गया एच टी एस ओ फोर, समझ में आ रहा है, आज नहीं तो कल तुम्हें इसमें तो जाना ही है। एच थ्री ओ प्लस, एच थ्री ओ प्लस कब तक रहेगा भाई, ऑक्सीजन तो कब तक रख लेगा, अगर चलो मैं तुम्हें दे भी रहा हूँ, उसी दिक्कत में तो उसने सल्फर के साथ बॉन्ड तोड़ा, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव आ चुका था, तो वो क्या करेगा ऑक्सीजन कुछ समय तक, चलो ठीक है आ जाओ जुड़ जाओ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और फिर एच थ्री ओ प्लस फिर बनेगा, तो ऑक्सीजन लंबे समय तक पॉजिटिव नहीं रखेगा, तो वापस समय कुछ समय बाद ये निकालेगा एच प्लस, तो फिर कौन लेगा एच टू एस ओ फोर, मतलब एच एस ओ फोर निगेटिव ही लेगा, तो वापस वो किसमें बदल गया एच टू एस ओ फोर में। तो रियल में हुआ क्या, हुआ ये कि H2SO4 जो कैटलिस्ट के फॉर्म में आया वो तो वैसे ही निकल गया, बेचारे दूसरी H2SO4 को बर्बाद कर गया, उसको किसमें तोड़ दिया उसने SO3 और H2O, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। दो H2SO4 क्यों उठाया आपने, क्योंकि एक काम करता है कैटलिस्ट और एक काम करता है रिएजेंट। जैसे अपन ने वहां पर जब नाइट्रेशन कराया तो नाइट्रेशन में आपने दो एसिड उठाए, एक कंसंट्रेटेड HNO3 एक कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3 तो रिएजेंट बन गया जिसने आपको NO2+ नाइट्रोनियम आयन दिया, लेकिन जो H2SO4 था वो तो बेटे कैटलिस्ट के फॉर्म में आया ना, जिसने HNO3 को एक्टिव किया ताकि वो NO2+ दे पाए। तो यहाँ आपने दो H2SO4 क्यों लिए, आपको लग रहा होगा कि उस HNO3 के साथ तो H2SO4 आया था, बेचारे H2SO4 के साथ तो कोई नहीं आया, उसको जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही पर्याप्त है, समझ पा रहे हो, क्योंकि उल्टा बात कर उसका एक मॉलिक्यूल कैटलिस्ट की तरह काम कर जाए तो एक रिएजेंट की तरह काम कर लेता है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको क्या मिल गया बेटा बात करें SO3। अब ये वाली गुड़िया कंडीशन आपको एक बार दिखा दी तो आपको पूरे दिमाग में आ चुका होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो इसको अपन मिटा देते हैं, इतना सब रायता फैला नहीं सकते ना अपन, तो ठीक है क्या करते हैं मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया कुछ याद आया, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, किसका फॉर्मेशन किया इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक करो तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ये क्या था बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अटैक कराने अगर आप आए बेटा बात करें कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन किसको अटैक कराने आए SO3 को। अब मुझे इतना बताओ SO3 में अटैक कौन करेगा, ऑक्सीजन की सल्फर जिसपे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन की सल्फर जिसपे पॉजिटिव है, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि भाई साहब बेंजीन रिंग पे अटैक करने की जरूरत किसको है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, बेंजीन को तो बिल्कुल नहीं चाहिए, समझ पा रहे, तो जिसको चाहिए वो ही आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, आया SO3 और SO3 में कौन जुड़ेगा सल्फर, बुरे बात करें मतलब सोचो, लेकिन ये कब जुड़ पाएगा सल्फर, सल्फर तब जुड़ पाएगा जब किसी के ऊपर नेगेटिव होगा, माना इस बॉन्ड को कौन ले रहा है ये कार्बन ले रहा है, इसके ऊपर क्या है नेगेटिव, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव, तो बताओ बेटा बात करें आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जुड़ेगा, डेफिनेटली नेगेटिव वाले कार्बन पे जुड़ेगा, जुड़ेगा ना, स्ट्रक्चर तुम्हारे पास ऐसा आ जाएगा। इस पे पॉजिटिव आ चुका, ये कार्बन है, इसका बेटा हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्या था ये पूरा बॉन्ड लिया था तो नेगेटिव था, यहां पर कौन आ गया सल्फर, पॉजिटिव था कि नहीं था इनके ऊपर, अब पॉजिटिव था गुड़िया बात करें, ये वाला स्ट्रक्चर देखो उठा करके, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड लिया तो क्वार्टेट बॉन्ड बोलो, आपको लगता है मुझे क्वार्टेट बॉन्ड बोलना है, क्वार्टेट बोलो, ये नेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक है जिसने सल्फर का पाई बॉन्ड लिया था, तो यहाँ पे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन देता है सल्फर को, सल्फर को इलेक्ट्रॉन मिला, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, नेगेटिव प्लस क्या हो गया खत्म, और इनका नेगेटिव खत्म,
ठीक है, अभी अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। रियल में ये था, जुपिटर यहां बॉन्ड था, वो यहां बन गया बॉन्ड। अब क्या होगा बताओ बेटा, बात करें क्या होगा, इस कार्बन को जो ये वाला बॉन्ड इन्हें लिया था, वो बुरे जिसकी वजह से इस कार्बन ने ये बॉन्ड लिया था, जिसकी वजह से इस कार्बन में पॉजिटिव आया था, इसके पॉजिटिव को बेटा बात की न्यूट्रल भी इनको ही करना पड़ेगा। आपने इलेक्ट्रॉन लिया इस पाई बॉन्ड का पूरा लिया कि नहीं लिया, देखो उठा करके इस कार्बन ने, तो इसका इलेक्ट्रॉन लौटाना भी तो पड़ेगा। अब लौटने का टाइम कहां से आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपके पास है नहीं, वो तो आप शेयर कर चुके हो। तो कोई बात नहीं, मैं जो मेरे शेयर है उसको मैं आपको लौटा देता हूँ, यहां से हाइड्रोजन पीएच प्लस के फॉर्म में निकालता है। और ये पूरा का पूरा बॉन्ड है बेटा बात, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, वो बॉन्ड यहां बना देता है। और जैसे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसका बेटा बात कर क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर ये खुद रखे तो निगेटिव आएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे तो कॉमन सेंस की बात है, हाइड्रोजन तो निकलेगा एच प्लस के फॉर्म, और इसको इलेक्ट्रॉन वापस मिलेगा तो इसका गुड़े बात कर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये एच प्लस किसके पास जाए, एच प्लस कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाना है, मेरे ऊपर निगेटिव है, आप यहां से निकलो और यहां जंप करके आ जाओ, मैं तुम्हें लेने को तैयार हूँ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन कोई H2SO4 का किसी का ऐसा आने की भाई कोई मुझे देके गया है, जो देके गया था वो लेके भी चलेगा, समझ में आ रहा है, तो किसी का मुझे देना नहीं है। तो बूढ़े बात कर किसी को तो लेना पड़ेगा, ये लेगा, कौन लेगा, ये लेगा, क्योंकि अभी निगेटिव है। मतलब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है बताओ बेटा बात कर, जल्दी बोलो, एब्स्ट्रेक्शन ऑफ एच प्लस फ्रॉम कार्बन, गुड़े बात करें एडिशन ऑफ, गुड़े बात करें एडिशन टू ऑक्सीजन, छोटी सी बात है, तो एब्स्ट्रेक्शन कर दो बेटा बात करें एच प्लस का थर्ड स्टेप में। हाइड्रोजन, और यहां बेटा बात करिए बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये डबल बॉन्ड आ गया ना, इस कार्बन के पास पूरे बात करें क्या आ गया, सल्फर, सल्फर का अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा ऑक्सीजन, और ये जो बुढ़े बात कर ऑक्सीजन था जो नेगेटिव था उसके पास कौन आ गया, एच प्लस। और जैसे एच प्लस आया कुछ याद है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपने ही रखे थे दो, ठीक है, नेगेटिव किसके दम पर है, आपने इलेक्ट्रॉन तो लिया ही था, साथ में सल्फर का भी लिया था, तो आपके पास वही तो है, तो इसने ऑक्सीजन ने क्या किया, आपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, जो सल्फर का छीना था वो हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन को मिला, जैसे हाइड्रोजन को मिला ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो गया, प्लस माइनस खत्म हो गया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, क्या जुड़ गया बेटा, SO3H, क्या जुड़ गया, SO3H। तो ये तो बताया था SO3H बनना है, SO3H आपको अगर दिल करता है तो ऐसे लिख दो, अगर भाई साहब पूरे इसको खोल सकते हो कि भाई ये बेंजीन है मेरे पास, ये सल्फर ट्रिपल बॉन्ड, पूरे बात करें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया ना, ये बन गया कुछ, नहीं, ऐसे कैसे बना सकते हैं, आपने तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, तो कोऑर्डिनेट बना लो, लो खुश बन गया ना SO3H। ये दीदी बात करें कंडीशन, मतलब सल्फोनिक, बुढ़े बात करें एसिड का बन जा, क्या बोला अपन ने, क्या बनाया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड बनता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हो क्या रहा है, H2SO4 की रिएक्शन करा रहा है, SO3 जुड़ रहा है, कौन जुड़ रहा है, लेकिन वो SO3 SO3 की फॉर्म में जुड़ा दिखा क्या, SO3H की फॉर्म में, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि अटैकिंग स्पीसीज तो SO3 है, लेकिन बेटा बात करें वो जुड़ा हुआ आपको दिखेगा किसके फॉर्म में, SO3H के फॉर्म में। आप उठा के देखो, जैसे वहां मैं NO2 प्लस कह रहा हूं अटैक हुआ, NO2 प्लस का अटैक हुआ, लेकिन जुड़ा तो दिख रहा है मुझे NO2 के फॉर्म में, क्या NO2 प्लस के फॉर्म में दिखा, नहीं, ऐसे यहां पे जुड़ा कौन है, SO3, लेकिन जुड़ा हुआ किस फॉर्म में दिख रहा है, SO3H के फॉर्म, वो आपको दीदी बात कर खास का ध्यान रखना है। अच्छा मैं आपको आगे बात करूं, एकदम दिमाग में सेट हो गया, क्या सेट हुआ, सल्फोनेशन, कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करना क्या है, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, आपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को बेटा हटाया, हाइड्रोजन को हटाया और वहां पे क्या किया, कार्बन सल्फर बॉन्ड बनाया, तो बेटा बात कर क्या कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन SO3H बॉन्ड, कैसे हुआ, अटैकिंग स्पीसीज क्या है यहाँ पे गुड़िया, SO3, मतलब क्या बोल सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, किस कैसी स्पीसीज है ये, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, कैसे पता चला, इस फॉर्म में पता चला, याद है ना अपन को बेटा बात कर, ये कंडीशन, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अच्छा पूरी मैकेनिज्म आपने देख ली ना, कोई तकलीफ, अगर यहाँ पे अगर मैं आपसे ये बोलूं बेटा कि मैं कोई क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अभी तक तो बेंजीन था, अब फ्री थे किसी भी कार्बन के साथ अटैक करने के लिए, अब मैंने कोई गुड़े बात कर यहाँ पे कौन जोड़ रखा है, कोई डायरेक्टर जोड़ रखा है, अभी डायरेक्टर कैसा है, इसका नेचर आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है कि मेटा डायरेक्टर है और किसके लिए, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट मैं गुड़े बात कर यहाँ पे रिएक्शन करा रहा हूँ कंसनट्रेटेड H2SO4 की, और कंसनट्रेटेड H2SO4 बेटा बात करें क्या बताओ, सोर्स है किसका, सोर्स है SO3 का, और SO3 कौन है बेटा बात कर, इलेक्ट्रोफाइल है, कौन है ये आपको खास कर याद रखना, हमें क्या आदत पड़ जाती है कि अगर पॉजिटिव है तो ही हम उसको क्या मानते हैं, इलेक्ट्रोफाइल मानते हैं, लेकिन कई बार बेटा बात कर आपको पॉजिटिव नहीं दिखेगा फिर भी आपको इलेक्ट्रॉन उसमें देखने पड़ेंगे,
इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, और अपन देखा कि अपन साल भर यही बातें करते आए। हर बार जहां कोई क्वेश्चन आया मैंने उस स्ट्रक्चर को खोला आपके लिए, ठीक है, कि आपको आए वो चीजें। तो ये गुटे बात इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल के लिए बताओ ये डायरेक्टर कैसा है दोस्त? ऑर्थो की पैरा, कॉमन सेंस की बात है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर दोनों ही है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है ये, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, सॉरी डायरेक्शन थोड़ी बोल रहा था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है, गुडे बात कर किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रोफाइल। अब अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आ सकता है, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, तो गुडे बात कर ऑर्थो पैरा दोनों बना दो यहाँ पर। मेजर क्या बनेगा बेटा बात करें तो, एसओ थ्री लेके आया तो, लेकिन मुझे लिखना किस फॉर्म में, एसओ थ्री एच के फॉर्म में, बहुत बढ़िया, ऑर्थो बेटा बात करें और ये पैरा डेरिवेटिव क्या था, ये सी एच थ्री एसओ थ्री एच बना ना, ये ऑर्थो है और ये कौन सा है, ऑर्थो और ये पैरा है। अब पैरा बना नहीं सकता इसलिए ऐसा लिखते हैं, ये पैरा है और ये ऑर्थो है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर आ गया, ठीक है। अब अगर बेटा बात करें ऐसे क्वेश्चन गुड़िया इस पे भी दे रखा है कि अगर इसके फिनॉल दे दिया उसने, क्या दे रखा है, फिनॉल के ऊपर रिएक्शन करा हुआ कंसंट्रेटेड H2SO4 पर एट गुड़िया 25 डिग्री सेल्सियस, कुछ याद है कल की रिएक्शन, याद आया होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 पर एट बेटा बात करें कितना 100 डिग्री सेल्सियस, ये मेरी नहीं है ये आपके एनसीईआरटी की, आरएमआर रिएक्शन है, कौन है ये आरएमआर, मतलब क्या बात है, रटामार रिएक्शन है, ये तो बहुत प्यार से अपन को याद हो गया, ठीक है ना, कुछ याद हुआ नहीं हुआ पर आरएमआर का फुल फॉर्म याद हो गया, समझ पा रहे हो, रटामार रिएक्शन, ठीक है। तो बताओ दोस्त क्या कंडीशन करना है, कह रहे कि काश एक बार बुक पढ़ के आती तो कितना अच्छा लगता है, मैंने तो पहले कहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है, नाइट्रेशन सल्फोनेशन पढ़ना ही था अपन को, अपना तो ट्वेल्थ ही अपन को तो खासकर पढ़ना चाहिए था, कह रही पढ़ रही थी मैं ट्वेल्थ का ही पढ़ रही थी पर अभी हिंदी पढ़ रही थी ऐसा, और हाँ भी कह रही है, बताओ वो कितने दुष्ट इंसान है। तो बताओ गुड़िया क्या बनेगा, याद रखो बेटा बात कर, लो टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर तो कम दूरी, ज्यादा टेम्परेचर तो ज्यादा दूरी, कम टेम्परेचर तो कम दूरी और ज्यादा टेम्परेचर तो, अरे दो लोग पास आएंगे उनके बीच में गर्मी ज्यादा तो दूर भागेंगे ना, कौन सी उसकी बात है, दो लोग पास आए लड़ाई झगड़ा ज्यादा है तो गर्मी तो होगी ना भाई, चांटे पड़ेंगे तो गर्म नहीं होंगे गाल, देखो समझते क्या हो, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या समझा रहा हूं, तुम क्या समझ, टेम्परेचर कम है टेम्परेचर तो जरूरत पड़ती है ना भाई, थोड़ा करीब आके बैठ जाए सर्दी ज्यादा है, समझ पा रहे हो कितनी ठंडी लग रही, कम से कम दो चार लोग अगर पास पास बैठ जाए तो एक दूसरी गर्मी एडजस्ट होती रहती तो अच्छा लगता है, ठीक है। इधर देख बेगूफ ये OH आ गया बेटा और यहाँ पे क्या जुड़े गुड़िया SO3H और यहाँ पे SO3 ये दीदी याद रखना ये मेजर प्रोडक्ट है बेटा, हाई टेम्परेचर पे मेजर प्रोडक्ट क्या है पैरा मेजर प्रोडक्ट और लो टेम्परेचर बेटा बात के मेजर प्रोडक्ट क्या है ऑर्थो, क्या है ऑर्थो, क्या है ये, क्या है ये ऑर्थोस, जल्दी बोलो ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड, क्योंकि अब इसको मैं ज्यादा प्रायोरिटी दोगे आप, ये गुड़े ऑर्थो के रिस्पेक्ट में कहलाएगा, पहले आप डायरेक्टर थे लेकिन आपके क्या कोई जुड़ गया तो जरूर थोड़ी क्या आप ही दीदी बात का मालिक बने रहो, अब ये चलाएगा अपने, ठीक है, ये तो गलती होगी तुमसे कि तुमने उसको जोड़ लिया गुड़े जो ज्यादा पावरफुल, तुमने कह रहा कि मेरे अंडर में काम करेगा, कुछ समय बाद वो तुमसे ही बोलेगा पानी लेके आओ खाना बनाओ, समझ पा रहे हो ज्यादा पावरफुल है। तो कंडीशन क्या की बेटा बात करें, अभी ऑर्थो पर आ गया क्योंकि मेन फंक्शन हुआ, अब इसको अपन क्या बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड और इसके रिस्पेक्ट बेटा ये ऑर्थो पर आ गया OH तो इसको अपन बोलेंगे क्या बताओ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक बार बेटा बात करो ऑर्थो एक आया पैरा, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखी, किसमें दे रखी, तो ये चीजें रटने के फिक्स करके दूसरी बात की याद रखनी पड़ेगी, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, चलो देखो इसको फटाफट।